केत की जरेत फुल तारा मेरा सरों ते फुलाई दे केसू का चनार ते शरीक ते अमर दास तेरे लिए खेतां जो गाई दे ए उगे होए अच्छा गरम गुड़ एकदम बिल्कुल कहीं मिलावट हो गई किसी भी चीज में ना बातों में ना व्यक्तित्व में ना समाज में पंजाबी सारे बाहर जांदे हां पंजाबी सारे बाहर जांदे लेबर दा काम करदे बाहर इथे चोरदे सब कुछ पीछे आप अकेले लगे रहते हैं आज इथे बस उस जगह थे सरदार जी परिवार इनके इथे हो वो हैगा इथे मतलब सरदार किन्ना सोना देश है मेरा जहां नीला अंबर हंसता है और सुनहरी धरती हंसती है और करती है हर मौसम को रंगीला और देश के साथ हम बात करते हैं पंजाब की कितना सुंदर है पंजाब और पंजाब में एक जगह जहां ऐसा लगता है कि स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो आनंदपुर साहब जी के बेहद करीब कीकर लॉज ने और उनके फादर ने LLB इकट्ठी करी लोग कहते हैं सीखने की उम्र नहीं होती जैसे वाजपेयी साहब इतनी एज किए थे तो उनके फादर कितनी क्यों ये तो समुंदर है सर समुंदर जितना भी है तो सात नदी निकाल लो तो फर्क नहीं उसको डाल लो तो फर्क नहीं तू वैसे ही और सागर से पार होने हमने और वो कोई करा सकता और कोई नहीं करा कि हद टप्पे ता ओलिया बेहद टप्पे ता पीर जो कहना हदों बन टप जाए उसका नाम फकीर जड़ा हदों बन टप जाए उसका नाम फकीर है फकीर ही है वो फकीर ही कर सकते हैं आपको कि इम्तिहान में सिखी ना दे रहा है नंबर जाए ना एक भी कट मेरा कि जोड़ उंगलों दे कट के भुल गया भावे सुरा सो पहचानी जो लड़े दीन के हेठे सा पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छोड़े से गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 40 सिंह ने घेरा पाया सी एक पासे 10 लाख फौज दी तो उस टाइम उन्होंने महाराज ने कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तब गोबिंद सिंह नाम कहूँ चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ मरण लड़ाते लड़े भी है बाबा संगत सिंह कल की भेट करके फिर इतने आए महाराज इस पिंड ना चांदपुर आसमानी से इतने मुसलमानों ने घर से काफ़ी अच्छा तो तुम कहते खजूर इतने इंडिया जो पैदावार नहीं है बहरीन तो आई हैं और जितने खाते से उतने सुट देंगे उस टाइम खजूर आती है आती है वगैरह खा जाते हैं तो उस टाइम से ही ये पैदावार है इनकी रेड जंगल फॉल एक्लीज पेशेंट है कब के पिछड़े हैं तब के ही है जी जो जंगली मुर्गे हैं जी वो पिंजरों में रखे होते थे उन्होंने जब उन्होंने खोल दिया दरवाज़ा वो उड़ाद हो गए एक से दो दो से चार चार से 10 हज़ारों की तादाद में बढ़ गई उस टाइम का ही वक्त है धार्मिक स्थान हो गया ना जी चरण छू है गुरु महाराज की शेर हिल शिवालिक पहाड़ियाँ सारियाँ हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज थे चरण पा के गए हुए मैम कब से आप यहाँ पे हम कल से रह रहे हैं और कहाँ से आए हैं सर लुधियाना से लुधियाना से फर्स्ट टाइम है यहाँ पे जी कैसा लगा गुड एक्सपीरियंस और मैंने सुना आप अभी हॉर्स राइडिंग करके आए हैं जी ये आपका बेटा क्या नाम आपका मायरा सच अ नाइस नेम आपने भी हॉर्स राइडिंग की जी थोड़ी सी की इसने डर लगा डर लगा आपका कैसा एक्सपीरियंस मैम हॉर्स राइडिंग जंगल में लेकर गए मतलब एडवेंचर इट वाज एडवेंचर हां हां पूरा डर नहीं लगा नो 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 वेरी कंफर्टेबल राइडर साथ में था हमारे जी अच्छा बहुत अच्छा लगा आप अलग अलग हॉर्स पे दोनों जी आपको भी नहीं डर लगा अरे आपने यहाँ पे जंगल सफारी की क्या ये जंगल में ही लेके गए थे सफारी करने नहीं जो शाम की नहीं, जंगल वो नहीं, वो नहीं, आप करिए अगर शाम को करेंगे ना मैं इनके साथ मैंने की थी इतने वाइल्ड एनिमल्स भी दिखाए इन्होंने वो और इट वाज रियली ऑसम एक्सपीरियंस तो आप वो जरूर करें बिकॉज वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है वेरी नाइस टॉकिंग टू यू थैंक यू एंजॉय साइड सर थैंक यू सो मच जॉन सर मैम फॉर कमिंग एंड रिव्यूइंग द प्रॉपर्टी I hope you enjoyed the entire stay. It was really very good and beyond the words. Thank you so very much. यहाँ पर हर ऋतु हंसती है, हर सुबह, हर सवेरा एक नई खुशियाँ, एक नई आशाएं लेकर आता है। कितना सुंदर है ये पंजाब और यहाँ के खेत और यहाँ का ये जो फार्म हाउस जहाँ हम आपको ले चल रहे हैं, यहाँ जब पपीहा बोलता है जब चिड़ियों की चहचहाट होती है जब कोयल गाना गाती है और जब सावन गिर के आता है और जब यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो ये फार्म अपने आप में एक कहानी करता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ कदम कदम पे नई कहानी मिलती है और जो पूरी दुनिया में कहीं से भी आता है वो यही का होकर रह जाता है। सच में
ऐसा ही देश है मेरा। और इसको चरितार्थ करते हैं ये रजा फार्म हाउस के ओनर। वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम हु हैज सीन ऑल द सीरीज ऑफ लाइफ। ही हैज बीन मिशेल फ्रॉम फ्रांस, माइकल फ्रॉम लंडन एंड नाउ दर्शन सिंह फ्रॉम पंजाब कानगढ़ गांव। चनार ते शरीक ते अमरदास तेरे लिए खेतां जो उगाई दे उगे हुए सरताज ने पूरे ट्रिया दे बारे व्याख्या कर दिती है हर एक चीज की। क्या बात। और ये बेल बेल पत्री देखो बेल पत्री जी शरदाई बनती है इतनी प्यारी बनाते ना गोड़दा। और ये वाइट भी हुई है कचनार ये चकोतरे मादर में बहुत होते हैं मोतरा। इनको कवर करना अच्छा वो रही हल्दी ये समझ दिया ये हल्दी किसका जी और क्या क्या होते वो जो पेड़ है फोंटी भी है लाठ है सारा बंद वो क्यों लगाए ठंड से बचाओ अच्छा ठंड से बचाव के लिए और जानवर भी आके कुछ खाते होंगे से कुछ नहीं जान में नहीं भुट्टा खाते अच्छा भुट्टा खाते हैं बाहर के नींबू है हम इसके घर पे लगाएंगे बूटे भी ना जी वाह इसकी फ्रेशनेस ही अजीब है बहुत अजीब
क्या बात है, अपने हाथों से तोड़ने का मजा तो कर लो। कोई नहीं एक ही नीचे गिरो है। नहीं ये तो पका हुआ है क्या? नहीं पका, नहीं पका हुआ ठीक है मतलब। हाँ जी अच्छा। ये बाहर कहना भी इधर नहीं है, ये दो मिलते हैं 150 रुपए में, 140 में चंडीगढ़। हेलो हेलो, डरने का नहीं, डरने का नहीं है। हेलो देखो ये डर रही है। नहीं 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 डरना नहीं, डरना नहीं। क्या बोलते हैं इसको, कुछ नाम होगा इसका? रस है जी। हाँ रस, रस है, रस है ये गन्ने का जी। नहीं वो तो ठीक है, इस जो ये पता है। लाओ हाँ, नहीं ये कह रहे हैं जो बना रहे इसको ठीक है। अच्छा गरम गुड़ एकदम बिल्कुल गरम। हेलो ओहो ये अभी ताजा निकला एकदम। अच्छा गरम गरम ही टेस्टी बहुत लगता है। इसको तो हम घर ले जाए। हाँ ले लेंगे भाई। ये रस से ही वो बनेगा क्या गुड़? हाँ जी। तो थोड़ा एक्सप्लेन करो, बताओ थोड़ा इसके बारे में। कड़ा है जी ये। जी ये कड़ा है, फिर पहले जूस काटते हैं जी, फिर जूस काट के फिर इसमें फिल्टर करते हैं, कपड़े के साथ फिल्टर करते हैं जी, फिर इसको गुड़ बनाते हैं। इसका फिर गुड़ बन जाएगा? हाँ जी। ये पूरे इसमें कितना समय लग जाता है? 3 से 4 घंटे लगता है। 3 से 4 घंटे। अच्छा और कितना गुड़ निकलेगा इसमें, कितने किलो? 20 किलो निकलेगा, 20 किलो। 20 किलो। अच्छा क्या बात है। तो दिन में आप कितना निकाल लेते हो? 40 किलो निकाल लेते। 40 किलो निकाल लेते हो। क्या नाम है आपका? राकेश। और आपका भाई? सुखी। अच्छा आप लोग यहीं इसी गांव में? हाँ जी यहीं रहते हैं पक्के। और गांव का नाम क्या? मेरा तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किधर? गोरखपुर। गोरखपुर क्यों? खुशी नगर। आप भाई? पंजाब में। इधर गए कोई और गांव भी? फतेहगढ़। इस गांव का नाम क्या? कांगर है जी। कांगर बहुत सुंदर। के जिंदगी चुक डा वड्डा कैर हो गया, के सज्जन बनाउण बड़ा गैर हो गया, बाजवा दे विच तरकारां पै गईआं, यार साडा ढहदी दुपहर हो गया, समुंदियां बठाउण नूं फिरे ओही अज सज्जन वी गैर हो गया, हाए उमरां दा साथी सानूं कहण वालड़े, के गैरां दियां महफलां सजाउण लग पे, उमरां दा रोगी सानूं कहण वालड़े, के गैरां दियां महफलां सजाउण लग पे, उच्चे उच्चे खत लम्मे पाउण वालड़े, हाए ना साडा ते लखाउण वालड़े, उच्चे उच्चे खत लम्मे पाउण वालड़े, नहीं बोलो मुझे ताडे उत्ते ते लखाउण वालड़े, कोलो लंघदे आ जे मैं जानदे नहीं, ते कुट कुट चूरियां खवाउण वालड़े, कोलो लंघदे आ जे मैं जानदे नहीं, के कुट कुट चूरियां खवाउण वालड़े, जिहदे हथों मुंदियां बटाउण नूं फिरे ओही अज सज्जण वी गैर हो गया, हाए उमरां दा रोगी सानूं कहण वालड़े, के गैरां दियां महफलां सजाउण लग पे। क्या बात है, क्या बात है। मैं ते रब तो यही दुआ मंगी, मैनू मिल जावे सजना प्यार तेरा, रह जिथे नी तू मान खुशी, एको चाहिदा मैनू दीदार तेरा, एको चाहिदा मैनू दीदार तेरा, कि ऐ खत जा पहुंचे तू मेरे दिलदार के आगे, अदब से सर झुकाना हुसन की सरकार के आगे, कहना उनसे कि एक दीवाना तेरी याद में है भरता है, वो लिख के जो जमीन पर नाम तुम्हारा, तुझको सजदी करता है, तुझको सजदी करता है। क्या बात है, क्या बात है। यशपाल जी गन्ने का जूस फ्रेश निकाल के अभी हमें पिलाएंगे।
जो मेरे को याद नहीं आता कि लाइफ में पहले कभी इस तरीके से पिया हो फ्रेश गन्ने का जूस। अच्छा सिंह जी हमको ले गए ईगल लॉज से थोड़ा सा दूर एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्म में, जहाँ पे एक फ्रेंच बॉर्न व्यक्ति है, फ्रांस में उनका जन्म हुआ और माइकल उनका नाम। उसके बाद वो लंदन में 10 साल रहे और वहाँ पे रहे वो एज अ मिशनरी, लेकिन अब वो अपनी पूरी जिंदगी पंजाब के इस छोटे से खेत में अपने फार्म हाउस में बसर करते हैं और यहाँ पे उनका नाम है दर्शन सिंह, who speak fluent French, fluent English, absolutely fluent Punjabi as well, with a very nice accent. I am so impressed to meet him. And he now, as I told you, known as दर्शन सिंह, जो कि कटार पहनते हैं और सारा दिन अपने खेत में बिजी रहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। आप इनका खेत देखिए। फोटो आपके साथ की जाएगी, फोटो लेने कैमरे में लेने, अपना वो भी ले लो मोबाइल। तो हमने कहा भी ऐसे संतों के दर्शन करने दिए कि आप अपना देश छोड़ के यहाँ पर सेटल हो गए और इतनी सेवा कर रहे हैं। कोई गुरु का पाना, कोई गुरु की कृपा, इस रास्ता में भी आए थे जी, इस मेरा भी आए थे, हो गया इंडिया में। अच्छा, मेरी वाइफ इंडिया में। ओके, दोनों पास रहेंगे चंडीगढ़ भी, मैं ज़्यादा फोन करूँगा। हाँ हेलो, आप यहाँ कब से हैं? पीछे फ्रांस। नहीं नहीं, हाउ लॉन्ग यू आर हियर? इतने 98 जमीन खरीदे असी, 98 साल, 24 साल होगा सितंबर में। फिर आपने लैंग्वेज सीखी? मैं पंजाबी कुछ सीखा, पहले इंग्लैंड उधर रहा सी 10 साल। अच्छा, साउथ तो फिर पंजाबी सीखने में दिक्कत नहीं? साउथ के बीच बाकी इतने नौकर हिंदी पंजाबी बोलते बस। अमरिंदर जी ने बताया था कि आपसे मिले, हमने कहा अच्छा, तो कीकर लॉज में रुके हुए थे, कीकर लॉज में दिल्ली से हैं, तो हमने कहा नहीं आपसे मिलके चाहिए। आपकी खेती देखनी थी, हमने कहते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक, मैंने कहा अगर वो फॉरेन से हैं तो कहीं मिलावट होगी नहीं किसी भी चीज में, ना बातों में, ना व्यक्तित्व में, ना सामान में। पंजाबी सारे बाहर जाते, पंजाबी सारे बाहर जाते, लेबर का काम करते बाहर, इतने चोरते सब कुछ पीछे। आप अकेले लगे रहते हैं? जसपाल हल्दी वगैरह है ना वहाँ पे, कुछ कच्ची हल्दी है, पीसी हुन नहीं है मेरे को, वो दूसरे है कुछ दाल केड़ी पई जी, पीसी सोंड दाल हुन नहीं है, पहले मूंगी से भी काफी। सर आपका ओरिजिनल नाम क्या था? मेरा नाम पहले मिशेल सी का माइकल, फिर दर्शन सिंह बोल रहा। अच्छा अच्छा, बस फोटो फोटो मोबाइल लो। आपका नाम दर्शन सिंह और आप दर्शन नहीं, इसमें कहां दर्शन सिंह अमरी छकिया नाम नाम मिल गया था जो हमारे छकिया नाम पर साथ आया सर लोग इधर सी ठीक है सबके आने हाँ जी
आप थोड़ा इधर हो जाओ, बहुत बढ़िया कपड़ा है, ओरिजिनल है। दो तीन ले लेना। एक मेरी अकेले ले, इधर आ जाना, इधर से वो अच्छा धूप आ रही है, इधर से ही है सर। नाम मेरा क्या है? वैसे लोग कहते हैं अंग्रेज का फार्म, गोरे का फार्म, पर ये राजा ऑर्गेनिक फार्म नाम है। हां, राजा ऑर्गेनिक फार्म, राजा परमात्मा की। हां, माफ माफ करना चाहेगा। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, चल 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 देखो। अच्छा, आपके भाई का चिकन है ना भाई? देख के लगी तो नहीं, देख देख के, देख के ये हमारे लिए गंगा। अच्छा, और क्या? ये बहुत रिलीजियस। अच्छा, ठीक है, बहुत ज्यादा सारा दिन पूजा पाठ रहे थे। आपने इसीलिए दर्शन दिया, नहीं तो जो पूजा पाठ रही थे तो नो दर्शन। आपका नाम ही है सर? माइकल, मिशेल माइकल। मिशेल, मिशेल फ्रेंच बोली, माइकल अंग्रेजी। ओके ओके। मिशेल एंड योर अदरवाइज नेटिव कंट्रीज? फ्रांस विच पे जाओ यार, ब्रिटिश नेशनल, पर फ्रांस नाउ सेटल इन इंडिया, सेटल इन इंडिया, बोर्न इन फ्रांस, ब्रॉट अप इन लंदन एंड नाउ सेटल्ड इन 97 में मेरा ब्याह हो गया इंडिया। ओके, 98 जमीन खरीदी। हां जी, वाइफ इंडियन है? इंडियन है, और कुर्सी का अमृतधारी। अच्छा, हां जी, आते हमारा धार्मिक सार कृपाण पांगी है। अच्छा, अमृतसर से चंडीगढ़ में रहते हैं? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। दिस इज रचना चतुर्वेदी and I hope and I wish that you liked this small little effort of mine, and if you like it, please do subscribe, like and share to this channel. This will really motivate me a lot. Jai Hind, Jai Bharat, love you all.